इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए 2017 से 2022 तक हमारा जो नगर निगम जो इस कार्यालय से चला, जो जिसके सामने हम लोग खड़े हैं जी, इससे ज्यादा भ्रष्ट और इससे ज्यादा निकम्मा जो 5 साल है वो मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी आज तक फरीदाबाद के क्या गलती किया विभाग ने। इस विभाग ने सबसे पहले तो 250 करोड़ रुपए का घोटाला जो हमारे सामने नजर आया, ठीक है जी? अच्छा, वो जो घोटाला है वो 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है, 250 करोड़ के। तो जो अमूमन जो सरकारी फिगर आ रही है वो फिगर है, और आप भी जानते हैं कि सरकारी फिगर और जो एक्चुअल फिगर में कितना फर्क होता है। फाइलें जला दी गई, जब घोटाला पकड़ा गया तो फाइलें जला दी गई। अब प्रश्न, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो घोटाला था वो किसने पकड़ा? वो घोटाला पकड़ा हमारे जनप्रतिनिधि ने पकड़ा उसको। अच्छा, वार्ड नंबर 37 के दीपक चौधरी जी हैं, उनका उसमें अहम योगदान रहा, और भी कई पार्षद थे जिन लोगों ने उस घोटाले को उजागर करने का काम किया। कहां गया घोटाले का पैसा, कुछ पता है? नहीं, घोटाले के पैसे का तो पता नहीं कहां गए, कहां डकार गए ये तो पता नहीं, और जाते जाते भी कर गए। हम उस विषय में नहीं जाएंगे, मैं तो आपको एक मोटा मोटा एक संक्षेप में बता देता हूं कि इस शहर में हुआ क्या। 2017 से 2022 तक इन्होंने शहर का खून चूसने का काम किया, और जब ये जनता बिल्कुल त्रस्त हो गई, जब ये जनता ने सोचा, जब फरीदाबाद की जनता ने सोचा, हमारे जैसे आम नागरिकों ने सोचा कि अब 2022 आएगा, अब हम अपना बटन दबाकर अपनी सरकार चुनेंगे, अब हम इन भ्रष्ट अधिकारियों को और इन भ्रष्ट जो नेता जो है, जो चंडाल चौकड़ी फरीदाबाद के नगर निगम पर काबिज हो गई है, जब हम इसको हटाएंगे तो इन्होंने उस जनता के साथ भी छल करने का काम किया। अच्छा, इन्होंने एक वार्ड बंदी के नाम पर जो है इस पूरे शहर को बांटने का काम किया, इस पूरे शहर को बांटा, अपने व्यक्तियों के हिसाब से शहर को बांटा गया, आपकी और हमारी और जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए नहीं बांटा, इन्होंने उसको बांटा अपने हिसाब से कि कहां से अपने प्रत्याशी को किस तरीके से जिताया जाए, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो वार्ड बंदी की गई उस वार्ड बंदी के अंदर कहीं तो 12,000 वोट मिली तो कहीं पर 55,000 वोट मिली, कहीं तो एरिया मिला इतना मुट्ठी भर का एरिया मिला, और कहीं विधानसभा के बराबर एरिया इन्होंने कर दिया। उस वार्ड बंदी को किसने किया था? उस वार्ड बंदी को मैं अभी बता रहा हूं उसके ऊपर कि इन्होंने वहां पर वो वार्ड बंदी कर दी। नहीं, क्या फ्री फंड में हो गई थी कि पैसा खर्च हुआ था? मैं बता रहा हूँ इसी चीज के ऊपर मैं आ रहा हूँ कि, और वो ऐसी कंपनी से करवाई गई जो कंपनी मॉड्यूलर किचन बनाने का काम करती थी। सोचिए, मैं जितने भी भाई है बहन है, जितने भी और आपके माध्यम से जितने फरीदाबाद के लोग सुन रहे हैं, आप सोचिए, एक ऐसी कंपनी को हमारी जनगणना करने का काम दिया जो मॉड्यूलर किचन बनाती थी, जो टीन शेड का काम करती थी बेचने का, और नतीजा ये हुआ कि उसकी जनगणना देख लीजिए। उसकी जनगणना में क्या है कि एक ही परिवार के अंदर 95 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं, किसी परिवार के अंदर 55 महिलाएं हैं, 1 पुरुष है, किसी किसी वार्ड में ऐसा है कि कोई बच्चा ही एग्जिस्ट नहीं करता, कोई कोई वार्ड ऐसे बना दिए जिसके अंदर वोटर्स ऐसे दिखा दिए कि भाई उसके अंदर सिर्फ बच्चे हैं, उसमें वोटर्स है ही नहीं, कोई 12,000 वोटर्स का वार्ड है तो कोई 55,000 वोटर्स का वार्ड है ना। तो इस तरीके का काम किया, 1.5 करोड़ का टेंडर था, बढ़ाकर 3 करोड़ का कर दिया। जो कंसल्टेंट थे, जो इस वार्ड बंदी की काटा पीटी करने के लिए इन्होंने अपने जो सहयोगी रखे, वो सहयोगी हैं, उनको लाखों रुपए की इन्होंने महीने की तनख्वाह दी, 8-8, 10-10 लाख रुपए के उनको महीने की तनख्वाह दी। वो पैसा किसका था? वो पैसा आपका और हमारा पैसा था। अच्छा, वो पैसा इन लोगों ने उनकी जेबें भरने का काम किया, अपने हिसाब से पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। सास इस गली में रह रही है, बहू इस गली में रह रही है, और दोनों अलग अलग वार्ड है, एक ही मकान के अंदर 2-2 वार्ड कर दिए, है ना। इस तरीके का काम किया, यानी कि जनता को कहीं पर भी इन्होंने सहूलियत देने का काम नहीं किया। ये किया कि जो हमने 5 साल जिस तरह का गदर मचाया है, जिस तरह की हमने नंगी लूट मचाई है इसके अंदर, उसी तरह का काम हम और आने वाले 5 सालों में कर ले जाएं। लेकिन हम उसको लेकर कोर्ट में गए, और बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं, उन सब लोगों ने मिलकर, सब लोगों ने अपने पैसे इकट्ठे कर करके हम लोगों ने कोर्ट में जाकर हाईकोर्ट में इसकी अपील की, और हमने इसके ऊपर रोक लगवाने का काम किया कि भाई आप चाहे तो चुनाव पुरानी वार्डबंदी से करा लो, जो कि कानून भी कहता है, और लेकिन इस तरह की घटिया और खराब वार्डबंदी मत कराओ। अब चुनाव आयोग ने भी इसको जो है अपना संज्ञान में लिया, और 8 अगस्त को, अब ध्यान से सुनो भाइयों, 8 अगस्त को एक चिट्ठी जारी करता है चुनाव आयोग इस सरकार को। वो कहता है कि जो आपने जनगणना के आंकड़े पेश करे हैं, वो जनगणना के आंकड़े बिल्कुल फर्जी हैं, वो आंकड़े फ्रॉड है, और इसके अंदर कोई भारी घोटाला हुआ है, तो आप इसके आधार पर चुनाव मत कराइए, या तो आप वार्डबंदी दोबारा कीजिए। तो अब हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो इस बात को जनता तक नहीं बताते, वो इस बात को छुपा के बैठ जाते हैं, इसको दबा के बैठ जाते हैं, और रोज एक नया भाषण दे देते हैं कि भाई ऐसा है कि जो चुनाव अगले महीने हो रहे हैं, चुनाव 2 महीने बाद हो रहे हैं, चुनाव 3 महीने बाद हो रहे हैं, चुनाव अब दिसंबर में होंगे, चुनाव फरवरी में होंगे। तो जनता को गुमराह करने का काम ये हमारे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, हर बार एक नई डेट दे देते हैं, जबकि इनको अच्छे से पता है कि इनकी जो वार्डबंदी थी वो फेल हो चुकी है, वो फर्जी घोषित की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी जनता को गुमराह करने से बाज नहीं आ रहे। तो किस तरह के जनप्रतिनिधि है कि जो जनता के साथ ही धोखा कर रहे हैं, तो किस तरह के जनप्रतिनिधि? हमने इनको चुनकर इसलिए भेजा, इसने नहीं भेजा कि आप इस तरह की जो खबरें उनको दबा के बैठ जाओ, जनता तक ही ना पहुंचने दे, इसलिए भेजा था, हमने अपना नुमाइंदा बनाकर इसलिए भेजा था इन लोगों को, ताकि हमारी नुमाइंदगी कर सके। ऐसा नहीं कि हमारी पीठ में छुरा
लूटने का काम करें। तो इसका मतलब यह है कि फरीदाबाद के अंदर लोकतंत्र बचा नहीं है, फरीदाबाद के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, जिसकी कि आज हमने शव यात्रा निकाली है और इससे हम चेताना चाहते हैं। और अभी भी हमारा इनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस जनता को उसके जनप्रतिनिधि दे दीजिए, जनता के साथ धोखा मत कीजिए और जनता को चुनाव करने का, अपने जनप्रतिनिधि को चुनाव करने का अधिकार मत छीनिए। आप अपने ही जो बनाए हुए कानून है उनसे मुकर रहे हैं, आप संविधान को नहीं मानते, आप अपने बनाए हुए अमेंडमेंट्स को नहीं मानते, जो आप संसद में बैठ के अपने विधानसभा में बैठ के पारित करते हैं उनको नहीं मानते, आप जनता की नहीं मानते, आप कोर्ट की नहीं मानते, आप चुनाव आयोग की नहीं मानते, आप मानते किस चीज की हो, आप किस तरह की सरकार चला रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं कि जो सरकार है, ये सरकार जो है, ये जोकर्स और ब्रोकर्स, ये दो लोग चला रहे हैं, या तो जोकर्स है या ब्रोकर्स है, लीडर्स नहीं है, डीलर्स है। यहाँ पर हरियाणा सरकार जोकर चला रहा है, आपका कहना है? नहीं, मैं हरियाणा सरकार के फरीदाबाद की बात कर रहा हूँ। हम सिर्फ फरीदाबाद, क्योंकि हमारी संस्था फरीदाबाद तक सीमित है, तो ये जो फरीदाबाद में जो लोग चला रहे हैं, मैं इनको जोकर और ब्रोकर्स कहता हूँ। ठीक है भारत जी, दोस्तों देख सकते हैं, अब शायद पुतला फूंका जाएगा, अब नहीं, अच्छा पुतला नहीं फूंका जाएगा, ठीक है, शव यात्रा निकाली गई हरियाणा तक से। नहीं।